Hello everyone, my name is Farman Khan and in this video we are going to learn about the replication of viruses. Basically, ये एक common है सभी के लिए जितने सभी जो virus होते हैं सभी types के लिए. ये जो steps मैंने यहाँ पर लिखे हैं adsorption, penetration, release of genetic material, multiplication of genetic material, protein formation, assembly, release of viruses and cell lysis. ये कॉमन है सभी वायरसेस के लिए. कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ वायरसेस में थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं. जैसे कि अगर यूकैरियोटिक सेल के ऊपर कोई वायरस अटैक कर रहा है, जैसे कि एनिमल सेल है, कोई पोलियो वायरस अटैक कर रहा है, तो वो न्यूक्लियस में जाके अपना जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करेगा. बट अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर, जैसे कि ई कोलाई, किसी बैक्टीरिया के ऊपर कोई वायरस अटैक कर रहा है जो कि बैक्टीरियोफेज होता है, तो वो साइटोप्लाज्म में ही खुद को अपना जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड रेप्लिकेट करेगा. तो ये कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं. बाकी ये जितने भी स्टेप मैंने लिखे हैं ये सब कॉमन है. एक बार बताऊँगा आपको उसी में समझ में आ जाएगा. बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ. देखो, ये भी बताऊंगा कि इस लाइफ साइकिल को आपको एग्ज़ाम में लिख के कैसे आना है. ठीक है, ये 7 स्टेप हैं, इनको याद कर लीजिए. अब सबसे पहले जब ये 7 स्टेप हैं, हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं बैक्टीरियोफेज का. इस वायरल रेप्लिकेशन साइकिल में एग्जांपल बैक्टीरियोफेज का है, इसमें कैसे होता है रेप्लिकेशन. बाकी प्रोसेस सभी वायरसेस के लिए सेम रहेगा. तो जब 7 स्टेप हैं तो हम एक काम कर लेते हैं. सबसे पहले हम 7 जो है ई कोलाई को ड्रॉ कर लेते हैं. आफ्टर ऑल हमें ई कोलाई के ऊपर देखना है ये सारा रेप्लिकेशन. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है, ओके. 7 स्टेप्स को हमने पहले ड्रॉ कर लिया. ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये रहे जब आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगा, या याद करने का भी आसान तरीका कैसे है. 7 जो है स्टेप्स हमने बना लिए. सिक्स एंड सेवन. ओके, तो ये क्या है हमारा, इसको सर्कल मत समझ लेना भाई. ये ई कोलाई है, बैक्टीरिया. कुछ शेप में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, इट्स ओके, समझने के लिए है बस सिर्फ. और हम इसके ऊपर अटैक किसका करा रहे हैं, बैक्टीरियोफेज का. तो उसके लिए हम देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर पहले. थोड़ा सा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज का. और यहाँ पर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल. ओके, तो अब ये ई कोलाई है, इसके ऊपर अटैक कर दिया एक बैक्टीरियोफेज ने. ठीक है, किसी भी एंगल में कर सकता है भाई, वो ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने बनाया ऐसे ही करे. ये हो गया पहला, इसके ऊपर अटैक कर दिया. तो जो पहला स्टेप होगा वायरस की रेप्लिकेशन में या वायरस की लाइफ साइकिल में, जो इस तरह से ये शुरू होती है, पहला होगा एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन का मतलब है कि इस वायरस का जो सरफेस है, सेल वॉल की जो सरफेस है, उसके ऊपर आके ये चिपक जाएगा. ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये वायरस है, ये इसके ऊपर चिपक जाएगा. दिस इज नोन एज एडसॉर्प्शन. ठीक है, उसके बाद हम अगर ई कोलाई को देखें तो इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी है और कुछ छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स भी, जिसको हम प्लाज्मिड कह सकते हैं. आफ्टर दैट सेकंड स्टेप जो है हमारे पास में ई कोलाई और जो इसका प्लाज्मिड है, ये इसके अंदर ही रहेंगे. और सेकंड स्टेप है हमारा पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, ये जो बैक्टीरियोफेज है इसके पास कुछ स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, उन स्पाइक्स की मदद से ये इस ई कोलाई की जो सेल वॉल है उसको पेनिट्रेट करेगा, डिग्रेड करेगा या तोड़ेगा किसी भी तरह से. इसकी सेल वॉल का कुछ हिस्सा जो है उसमें होल कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा. ऐसा किस लिए करेगा, वो ऐसा इसलिए करेगा जो थर्ड स्टेप है हमारा रिलीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ये जो ई कोलाई इसके ऊपर आके चिपक गया था, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, यहाँ पर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा अपना जेनेटिक मटेरियल जो इसके हेड में प्रेजेंट है उसको सेल के अंदर रिलीज कर देगा. ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेप, रिलीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. देखिए, एक बैक्टीरिया है, उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल था जो वो डिवाइड कर रहा था नॉर्मली, जैसे कि बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं. जब ये जेनेटिक मटेरियल आया, वो इसके डीएनए के साथ एम्बेडेड हो जाएगा, जुड़ जाएगा,
फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो जेनेटिक मटेरियल था ये वाला ये वायरस का था जो इसके साथ जुड़ गया। अब जब इसके डीएनए के साथ जुड़ गया तो ये इसके डीएनए के साथ रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारी कॉपी बना लेगा। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हो सकता है कि ये इसके प्लाज्मिड में भी जुड़ जाए, चांसेस है, इतना डीप में नहीं जाना, सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये फोर्थ स्टेप क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ भाई। चार के बाद में जो फिफ्थ स्टेप है हमारा वो क्या है, फिफ्थ स्टेप है प्रोटीन फॉर्मेशन। अब जो जेनेटिक मटेरियल था वो तो डिवाइड हो ही हो रहा है बार बार, ठीक है, एक की एक से दो कॉपी, दो से तीन कॉपी, तीन से चार, यही तो मतलब है रेप्लिकेशन का, मतलब न्यू कॉपीज बनना। तो जब बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करेगा, साथ में वायरस के जेनेटिक मटेरियल को भी डिवाइड कर देगा, लेकिन क्या होगा, साथ में इसकी जो प्रोटीन बॉडी थी, सॉरी ये इस तरह की जो प्रोटीन बॉडी थी इसकी, डीएनए से तो बनता है प्रोटीन, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के भी प्रोसेस भी हो रहे हैं, और इसके डीएनए से इसकी प्रोटीन बॉडी भी बन गए। जो फिफ्थ स्टेप है प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन कौन सा फॉर्मेशन है, जो ये था हमारा बैक्टीरियोफेज था, इसका डीएनए तो बन ही रहा है नया, जो बाहर की ये प्रोटीन होती है इसको भी बना देगा बैक्टीरियल सेल। उसके बाद में छठा स्टेप है असेंबली। असेंबली का मतलब क्या होता है, असेंबली का मतलब बेसिकली होता है जुड़ना। देखिए कैसे जुड़ेगा, जो ये बैक्टीरिया का एक डीएनए था, ठीक है, उसके बाद में ये डिवाइड हो गया था किसका, वायरस का डीएनए, एक को एक डीएनए से बहुत सारे कॉपीज बन गए थे, इसमें ही प्रोटीन भी बन गए थे हेड और ये सब वायरस के, तो ये सब जुड़ेंगे, जुड़ के क्या बनेगा, जैसा ये एक बैक्टीरियोफेज था इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ आपको सिर्फ ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है, और इनके अंदर डीएनए और प्रोटीन जो थे वो आपस में जुड़ गए, असेंबल हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं असेंबली। उसके बाद जो सेवन्थ स्टेप है हमारा रिलीज ऑफ वायरसेस एंड सेल लाइसिस। जब ये सेल के अंदर काफ़ी सारे फाज हो गए, एनफ अमाउंट हो गया इनका, नंबर जो थे काफ़ी सारे हो गए सेल के अंदर, तो फाइनल स्टेप क्या है, अब भाई इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, तो ये क्या करेंगे, इस सेल वॉल को ख़त्म कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, और इसमें से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से कुछ ये बाहर आ जाएंगे, इस स्टेप को बोलते हैं सेल लाइसिस या रिलीज ऑफ बैक्टीरियोफेज फ्रॉम सेल। देखिए इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, सेल वॉल ब्रेक डाउन हो रही है, यहाँ सिर्फ पेनिट्रेशन था, बहुत छोटा सा होल बनाया और उसके द्वारा अपना मतलब नीडल जैसे है, जैसे नीडल से सुई लगा देते हैं ना, उस तरह से अपना इंजेक्ट कर दिया सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल। बट यहाँ इस केस में जो सेल वॉल थी वो लाइस हो गई, ब्रेक हो गई, टूट गई। जैसे ही सेल टूटेगी, सेल वॉल टूटेगी, इसका जितना भी कंटेंट था ईकोलाई का, बैक्टीरिया का, वो सारा बाहर आ जाएगा और सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, सेल मर जाएगा। और ईकोलाई बाहर आ गए, ये फिर से किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे और सेम साइकिल चलाएंगे। देखिए आपको साइकिल बनानी भी आ गई और क्या क्या स्टेप्स थे मैंने वो भी बता दिए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको पता हो कि इस वाली लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज, कुछ दो साइकिल होती है ना, लाइटिक और लाइसोजेनिक, तो इस वाली साइकिल को क्या कहते हैं, अगर आपको ये पता हो तो कमेंट करके बताना, और कोई फीडबैक हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू।